Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. In the last class I also told you the theory which is useful for your exercise 6B. I have told you to start from exercise 6A, but I think many of you would be facing some problems. So I myself would be starting exercise 6A. ठीक है, तो आप थोड़ा समझने का कोशिश करें. Question number 1. It is saying which of the following collections are set. बोला जा रहा है इसमें से कौन से ऐसे हैं जो sets हैं. First part, all book in your school library. आपके school की library में जो सारे books हैं, it is saying क्या वो sets हैं कि नहीं है. ठीक है, तो I just want to get understand your opinion कि it is a set or not. Yeah. इट इज अ सेट. ओके, क्यों? क्योंकि सारे स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होंगी वो आप काउंट कर सकते हो और उनको नाम उनके लिख सकते हो एक सेट के अंदर. देयर फोर स्कूल की लाइब्रेरी की जो सारी बुक्स हैं, कलेक्शन सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, दे आर अ फॉर्म ऑफ सेट. ऑल रेड फ्लावर्स इन अ पार्क. सेकेंड थिंग इज इट इज सेइंग ऑल द रेड फ्लावर्स इन द पार्क. तो पार्क के अंदर जितने भी रेड फ्लावर्स हैं उनको भी आप काउंट करके उनके नाम नोट करके एक सेट के अंदर लिख सकते हो. देयरफॉर ये भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेट. ओके, मूविंग फर्दर, ऑल गुड प्लेयर्स इन योर स्कूल. इट इज सेइंग यू हैव, एक सेंटेंस बोला जा रहा है कि ऑल गुड प्लेयर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं. ठीक है, तो इसको आप नहीं सेट बना सकते ना. क्यों? क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव में कोई अच्छा प्लेयर होगा और दूसरे के पर्सपेक्टिव में शायद वो प्लेयर अच्छा ना हो. उसमें क्या है, सबकी सोच पे डिपेंड कर रही है चीजें, इसलिए आप इसको एक सेट के अंदर नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, तो इसी तरीके से ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको समझेंगे और बताएंगे कि क्या ये सेट के अंदर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सेइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं, उनको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, तो मैं लिखूंगा, फर्स्ट इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100. 70 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं एक सेट के अंदर, और उस सेट का जो नाम है दैट इज सेट ए. इट विल बी ए इज इक्वल टू 70 और 100 के बीच में जो पहला प्राइम नंबर होता है दैट इज व्हाट, दैट इज 71. आप बताइए 71 इज प्राइम और नॉट. 71 इज प्राइम, देन 73, देन 79, देन 83, 89 एंड 97. 71, 73, 79, 83, 89 एंड देन 97. ये जो नंबर होते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और किसके बीच आते हैं, 70 और 100 के बीच में आते हैं. तो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर बिटवीन 70 एंड 100, और इनका एक सेट बनाना था. That is, that set is already available, जो मैंने यहाँ पे लिखा. Then part number 2 is saying set of all whole numbers less than 8. Second part में it is saying set of all whole numbers less than 8. ठीक है, और इस सेट का नाम है दैट इज सेट बी. ये डेफिनेशन गिवन है इस सेट की, दैट इज इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट इनटू रोस्टर फॉर्म. तो यू विल बी राइटिंग बी इज इक्वल टू, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं. इट इज सेइंग कि वो सारे होल नंबर लिखने जो 8 से छोटे हों, दैट मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो दिस इज अ सेट व्हिच इज बी इज इक्वल टू 0 से लेकर के 7 तक,
तो ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट ऑल द अदर पार्ट्स इनटू रोस्टर फॉर्म बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दीज क्वेश्चंस आर दोस दैट मच डिफिकल्ट या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, there are total 9 parts और यहाँ पे भी क्या है, set builder form में दिए हुए हैं sets और आपको उसको change करके लिखना है roster form में और साथ ही साथ उसको उस set का cardinal number भी लिखना है, ठीक है। तो for example first part it is given A is equal to और इसका definition या फिर set builder form में set लिखा हुआ है x is such that x is an integer, x is such that x is an integer where x is greater than minus 3 and less than equal to minus 4, where x is greater than minus 3 and less than equal to 4, okay? So this is a definition of a set, आपको इसको roster form में लिखना है। तो it will be a is equal to इंटीजर्स जो माइनस थ्री से बड़े हों और फोर के इक्वल हों या उससे छोटे हों, दे विल बी माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है। कार्डिनल नंबर लिखना, यू नो दैट कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो एन ए जो कि कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल बी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड 7, तो आंसर वुड बी NA इज इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, इट इज गिवन B इज इक्वल टू x इज इक्वल B इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x माइनस 3x minus 6 less than 9, ठीक है। इसको आपको लिखना है रोस्टर मेथड। तो आप यहां पर देख पा रहे हो जिसकी रेंज है वो एक इनइक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो पहले इस इनइक्वेशन को हम लोग सिंपल इनइक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हो आप 3x minus 6 less than 9, माइनस सिक्स विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, तो इट विल बी 3x लेस देन 9 प्लस 6, 3x इज लेस देन 15, तो x इज लेस देन 15 अपॉन 3, तो इट विल गिव यू x इज लेस देन 5, ठीक है। तो इसके बदले आप सीधे लिख सकते हो x इज लेस देन 5, ठीक है। तो इट इज डेफिनेशन इज सेइंग x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। इसका मतलब है आपको वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 5 से छोटे हैं। यू नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 एंड 4 ये इसका रोस्टर सेट हो जाएगा। कार्डिनल नंबर तो nb विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो nb इज इक्वल टू 4, ओके। Similarly, you can also try all other parts of this question number 3, ठीक है? एक पार्ट में और बता देता हूं, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 इज सेइंग j इज इक्वल टू x इज सच दैट x is equal to 1 upon n, x is such that x is equal to 1 upon n and n belongs to natural number and n belongs to natural number and range is n is greater than 4 and less than 10, n ki jo value hai that is greater than 4 and less than। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो वेरिएबल्स दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक n दिख रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन x एंड n,
जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आते हैं? एक्स वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स वाले एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहां बोला गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो 1/n के इक्वल है और n जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और किन नेचुरल नंबर्स को? उन नेचुरल नंबर्स को जो कि 4 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे वो सारे n रखने पड़ेंगे या वो सारे नेचुरल नंबर रखने पड़ेंगे जो 4 और 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखें, 4 से बड़ा 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1/n के इक्वल, या इसी को लिख सकते हो, जब n कितना है 5 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। सिमिलरली हम n को क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो x जानते हैं 1/n गिवन है इसमें, तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा 1/7, फिर आएगा x इज इक्वल टू 1/8, फिर आएगा x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। और जब 10 आ जाएगा n, तो हमको उसको नहीं लेना, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर लेने जो 10 से छोटे, तो इसका सेट हो जाएगा j इज इक्वल टू 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 and 1/9। क्वेश्चन यही बोला गया था कि सर कार्डिनल नंबर लिखना है, तो n j इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5, एन जे इज इक्वल टू 5, ये इसका कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आप अपने नोटबुक्स में कर सकते हो, बिकॉज आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।